हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 7, जिसका नेम है अशोका द एम्परर हु ऑफ द वॉर। इसमें हमको मेनली जो है अशोका के बारे में बताया गया है। अशोका एक ऐसे राजा थे जिन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, मतलब कभी ना करने की फिर से कसम खा लेना। उन्होंने क्या किया था, वॉर को गिव अप कर दिया था। एक ऐसे एम्परर थे। अब इन्होंने क्यों कहा था, क्यों ऐसी चीजें कही थी कि हम अब वॉर नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या क्या रीजन थे, ये जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है एक बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है रोशन के रुपये के बारे में लिखा हुआ। जैसा देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीजें आती हैं। तो देखिए यहाँ पे, रोशन क्लचेस द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन बर्थडे। रोशन के पास वो नोट होता है, वो नोट पकड़े होता है जो उसके दादा ने उसके बर्थडे पे दिया था। लड़की है ये, इसके बर्थडे पे इसके दादाजी ने दिया था। वाइल शी बैडली वॉन्टेड टू बाय अ न्यू सीडी, शी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। अब वो उस नोट से जो है नई सीडी भी खरीदना चाहती थी, लेकिन उस नोट को जो है अपने पास रखना भी चाहती थी, क्योंकि वो नोट बिल्कुल क्या था, नया था। नया नोट कितना अच्छा लगता है ना, नहीं चाहते हम लोग कहीं खर्चा करना, तो वो भी बिल्कुल यही काम करना चाहती थी। वो उस नोट का कहीं पे भी यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सीडी भी खरीदना चाहती थी। तो देखते हैं यहाँ पे, इट वॉज देन डैट सी नोटिस डैट ऑल ऑफ देम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट एंड टाइनी शेड्स ऑफ लॉयन ऑन द लेफ्ट। वॉट वर द लॉयंस देयर फॉर, सी वंडर्ड। अब वो उस नोट पे देखती है कि नोट पे जो है लेफ्ट साइड में गांधी जी बने हुए हैं और राइट साइड में जो है छोटे छोटे जो है लॉयंस बने, छोटे लॉयन बने हुए हैं। तो वो समझती है, गांधी जी को तो वो पहचानती थी, गांधी जी तो ये फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, लेकिन अब उसको ये जानना था कि जो लॉयंस बने हुए हैं वो क्या है, वो किस चीज का सिंबल है, क्या है वो, तो वो उसके बारे में जानना चाहती थी। तो आगे देखते हैं, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। अब यहाँ पे कुछ स्टोरी बताई गई है। अभी आपको लॉयन वाली भी स्टोरी हम बताते हैं कि वो लॉयन आखिर है क्या, लेकिन उससे पहले जो है कुछ स्टोरी जान लीजिए, किसी के बारे में जान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत ही बड़ा किंगडम जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं, एक साम्राज्य बोलते हैं। जब एक बहुत बड़ा किंगडम हो जाता है, जब राजा के पास बहुत सारे जो है राज्य मिलके एक साथ मिलने मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पायर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द लॉयंस डैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी हम शेर हम लोग अपने नोट्स और कॉइंस पे देखते हैं, उसका एक बहुत ही पुराना इतिहास है, ठीक है। बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही हैं और इसका एक बहुत ही पुराना इतिहास है, और वो इतिहास क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे, दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। उसको जो है स्टोन से कार्व करके, ठीक है, स्टोन में से जो है कार्व करके, अलग अलग तरीके के स्किल जो है कार्वर्स लगे हुए थे, उसमें से कार्व करके स्टोन से खुदा, उस स्टोन में से जो है उसको काट छाट के बनाया गया था, और उसको एक बहुत बड़े पिलर पे रख दिया गया था, बहुत बड़े पिलर पे, पिलर के बिल्कुल टॉप पे रख दिया गया था। पिलर आपको मालूम है, जैसा खंबा होता है, गांव में भी देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल वाला पिलर होता है, तो वो नॉर्मल पिलर नहीं था, बहुत बड़े पिलर पे रख दिया गया था। इसके टॉप पे जो है ये लॉयन रख दिया गया था, जो ये है, ठीक है। और ये कहाँ पे रखा गया था, तो ये रखा गया था सारनाथ में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारनाथ, सारनाथ मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे, वाराणसी से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है ये सारनाथ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अशोका वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस वेयर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेस। अशोका जो थे वो एक बहुत ही बड़े राजा थे, बहुत ही बड़े रूलर्स थे हमारी हिस्ट्री के, अगर भारत के इतिहास को देखें तो जो अशोका थे वो बहुत ही बड़े जो है किंग थे। उसके बाद से जो है उन्होंने जो है अपने इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमको जो है जितने भी उपदेश हैं, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हैं कि कैसे क्या रहना चाहिए, कैसे राज्य में रहना चाहिए, कैसे प्रजा को रहना चाहिए, ठीक है, किस किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होना चाहिए, और किस किस तरीके से जो लोगों को दूसरे लोगों के साथ रहना चाहिए, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये चीजें जो है अशोका ने ऑर्डर दिया कि इन सब चीज़ों को जो है रॉक सर्फेस पर लिखवाया जाए, ठीक है, पत्थरों वाली जगहों पे लिखवाया जाए, अलग अलग बिल्डिंग्स वगैरह पे, पिलर्स वगैरह पे जो है खोद खोद के इसको लिखवाया जाए। होता है ना कि काट काट के, पत्थरों को काट काट के सब लिखा जाता है, देखा होगा, तो ऐसा किया जाए। अब आगे देखते हैं, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। इससे जानने से पहले कि क्यों जो है ये चीजें जो है वो क्यों लिखी गई थी, चाहे क्या लिखा गया था, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो इनका किंगडम था, जो इनका राज्य था, उसको एम्पायर क्यों कहा गया, इसको इतना बड़ा राज्य ये कैसे बन गया और इसे क्यों कहा गया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं।
The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. वो ऐसा साम्राज्य मतलब जिस जिसका वो राजा बना था, अशोका जो था वो जिसका राजा बना था, उसको जो है सबसे पहले जो है उसके दादाजी ने जो है उस साम्राज्य को फाउंड किया था. ठीक है, सबसे पहले उसके दादाजी राजा बने, फिर उसके पापा जी राजा बने, फिर उनके जो है वो खुद राजा बने. तो ये उनके दादाजी ने जो है उस साम्राज्य को जो है मौर्य एम्पायर को जो है दादाजी ने जो है उनको फॉलो फाउंड किया था. ठीक है, दादाजी ने सबसे पहले जो है वहाँ पे किंग बने थे मौर्य एम्पायर के. इसके बाद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 20 जब वो कब बने थे 2300 साल पहले जो है वो वहाँ के राजा बने थे. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको जो वो कैसे राजा बने, तो उनको एक लोगों ने सपोर्ट किया था जिनका नाम था चाणक्य. आप लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल आता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य करके एक सीरियल आता है जिसमें देखा होगा एक चाणक्य रहते हैं जो चंद्रगुप्त को चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे कैसे जो है उनको राजा बनना है, कैसे कैसे पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो सिखाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं एक राजा के दरबार में, कैसे कौन से काम होते हैं, वो सब चीज़ें सिखाते हैं. तो उनका नाम रहता है चाणक्य और उनका नाम कौटिल्य भी है. तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो बन के आता है वो ये आता है कि फाउंडर ऑफ सबसे पहला चीज़ ये बन के आता है फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर के सबसे पहले फाउंडर कौन थे, सबसे पहले राजा कौन थे, तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, दूसरी चीज चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वर्ड में, इसको ध्यान दीजिएगा. ठीक है, सबसे पहला मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य. चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य. और चाणक्य कौन थे, तो वो चंद्रगुप्त के एक कह सकते हैं एक सपोर्ट थे, चंद्रगुप्त के एक सपोर्ट सिस्टम थे, एक वाइस टीचर थे चंद्रगुप्त के जो ये सब चीजें बताते थे. चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मेनी ऑफ द चाणक्य आइडियाज वर रिटन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. चाणक्य बहुत सारे आइडियाज को जो है अर्थशास्त्र नामक एक बुक है जिसमें लिखा गया है. आई बात समझ में आपको. चलिए अब आगे देखते हैं डायनेस्टी. डायनेस्टी का मतलब समझ लीजिए खानदान, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग. कैसे जो है कौन कौन से जो है उससे जो है बनते हुए आए ये लोग राजा, इसके बारे में मेंशन किया गया यहाँ पे. देख लीजिए, व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर देन द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी. जब वंश कहा जाता है, डायनेस्टी का एक्चुअल मुझे हिंदी में नहीं याद है, वंश कहा जाता है जब एक ही फैमिली के जो मेंबर जो है वो राजा बनते चले जाते हैं. जैसे कि पापा राजा थे, अब उनके बेटे, अब फिर वो जो बेटा होगा फिर उनके बेटे, फिर उनका जो बेटा होगा उनके बेटे. जब ऐसे जो है लोग राजा बनते चले जाते हैं तो उस फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं. द मौर्य वेयर अ डायनेस्टी विथ द थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स. मौर्य एम्पायर में मौर्य डायनेस्टी में तीन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. सबसे पहले थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था. ठीक है, मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था. दूसरे थे उनके सन बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद जो है तीसरे उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था अशोका. ठीक है, जो तीन जो थे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे मौर्य एम्पायर के, आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, मौर्य वंश जो है डायनेस्टी मतलब वंश जो है होता है, और वंश का मतलब क्या होता है कि जब एक ही फैमिली के लोग जो है उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे ऐसे करके जब वो लोग राजा बनते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी. और मौर्य डायनेस्टी के तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स पहले थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे थे हमारे बिंदुसारा, और तीसरे थे हमारे बिंदुसारा के बेटे जिनका नाम था अशोका. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पहले आपको लॉयन कैपिटल के बारे में बता दें. देखिए ये जो लॉयन कैपिटल है ये कहाँ पे है, मैंने बता दिया है आपको. ये कहाँ पे है, ये सारनाथ में है. सारनाथ में इसको रखा गया था, एक बड़े से पिलर पे जो है इसको रखा गया था. इसको लॉयन कैपिटल भी बोला जाता है. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप. इस एम्पायर में जो है बहुत सारी जो है सिटीज थी. ठीक है, सिटीज थी. जब देखते हैं इसमें ब्लैक डॉट, देखिए ब्लैक डॉट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, फिर कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इतना ही दिखा मुझे और तो मुझे नहीं दिखा. तो कुछ सिटीज थी. ठीक है, कुछ सिटीज थी जो इस एम्पायर में, इस राज्य में कुछ सिटीज थी. तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा था. तो ये था कैपिटल था पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे है पाटलिपुत्र, देखिए यहाँ पे. ठीक है, इसके बाद था हमारा तक्षशिला. तक्षशिला यहाँ पे है. और इसके बाद था हमारा उज्जैन. उज्जैन जो है वो हमारा यहाँ पे है, दिख रहा है आपको. तीन जो थी वो मेन सिटीज थी इस टाइम की.
तक्षशिला वॉज अ गेट वे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट का एक रूट था, ठीक है, ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, यहाँ से जो है आता था नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से जो है कोई भी रूट था यहाँ से आने का, ठीक है, अगर इधर से कोई आता है तो वो इस रूट के थ्रू आता था। दूसरा था हमारा उज्जैन, देखे थे उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। उज्जैन जो था उज्जैन से कहाँ से, नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया, ये जो है मेन रूट था, यहाँ से जो है नॉर्थ इंडिया से लेके लोग साउथ इंडिया की तरफ आते थे। और इसके बाद देखते हैं मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज। जो भी मर्चेंट्स थे, जो भी ट्रेडर्स वगैरह थे, ऑफिशियल्स लोग थे और जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे वो मेनली जो है इन सिटीज में रहा करते थे, क्योंकि ये सिटीज जो थी एक पॉइंट ऑफ बिजनेस बन चुकी थी, मतलब एक प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे अच्छे खासे जो है वो ट्रेड हो सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और भी सारे एरियाज में जो है वहाँ पे क्या थे, गांव थे। किसके गांव थे, किसानों के गांव थे, ठीक है, हर्डर्स मतलब कि जो पशुओं को पालते हैं उनके गांव थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। सेंट्रल इंडिया की बात करें, अगर इस प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो है घने जंगल हुआ करते थे जहाँ पे लोग जो है खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है, और जानवरों को मार के उनका शिकार करते थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। जो हमारे पूरे भारत के जो डिफरेंट पार्ट के लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज, मतलब कि हमको सबको पता है कि इस पूरे भारतवर्ष में एक जैसे लैंग्वेजेस तो बोले नहीं जाते हैं, यहाँ पे कुछ और बोला जाता है, इस साइड में कुछ और बोला जाता है, इस साइड में कुछ और बोला जाता है, ऐसा होता है। तो यही बताया गया है कि पूरे इंडिया में जो है एक तरह के लैंग्वेजेस नहीं बोले जाते थे, अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोले जाते थे, अलग अलग टाइप के खाने भी खाए जाते थे, उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के कपड़े भी पहने जाते थे। ये आज भी हमारे यहाँ के बहुत रिच जो है कल्चर है हमारे यहाँ का, अलग अलग जो है लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ। आई बात समझ में आपको? चलिए आगे देखते हैं। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। जो एम्पायर था, एक जो एम्पायर मैंने बता दिया बहुत बड़ा किंगडम, ये जो है किंगडम से अलग कैसे है, तो देखते हैं ये किंगडम से अलग, एम्पायर जो है बहुत बड़ा है, किंगडम जो एक छोटा सा है, तो देखते हैं ये चीजें हैं कैसे। तो एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मीज। देखिए एम्पायर को कौन कंट्रोल करता था, तो एम्पायर को जो कंट्रोल करते थे उनका नाम था एम्परर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और किंगडम्स को जो कंट्रोल करते थे इनका नाम था किंग। ठीक है, तो जब बहुत सारे किंगडम मिलते थे तो वो क्या बनता था, अम्पायर बनाता था, जब बहुत ढेर सारे किंगडम। तो देखिए अब एम्परर्स को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, भाई उसको तो ढेर सारे राज्य चलाने हैं ना, तो उसको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और किंगडम क्या है, वो उसमें एक राजा राज्य करता है तो उसका एक ही क्षेत्र हुआ, तो उसमें जो है उसको कम रिसोर्सेज चाहिए चलाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज एम्परर्स को जो है क्या चाहिए, बड़ी बड़ी आर्मी चाहिए ताकि वो दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और किंगडम्स को जो है क्या चाहिए, छोटी आर्मी चाहिए क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो कम ही है। ठीक है, दूसरा चीज सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। अब देखिए एम्परर्स को क्या चाहिए, एम्परर्स को जो है अच्छे पोस्ट के ऑफिशियल्स चाहिए, अच्छे पोस्ट के लोग चाहिए जो टैक्सेस को कलेक्ट करके हर किंगडम से जो है टैक्सेस को कलेक्ट करके ला के एम्परर को दे सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर में कैसे रूल होता था जरा देखते हैं कैसे क्या होता था। ठीक है, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, साम्राज्य जो है बहुत बड़ा था, डिफरेंट पार्ट्स पर रूल्ड डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट को, अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था, अलग अलग तरीके से उस पर राज किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो पाटलिपुत्र का एरिया है, पाटलिपुत्र जो जल्दी से दौड़ते हैं मैप में जरा ढूंढते हैं पाटलिपुत्र कहाँ है, दिख रहा है किसी को पाटलिपुत्र, ये रहा हमारा पाटलिपुत्र। तो जो पाटलिपुत्र का जो एरिया है ये डायरेक्टली जो है राजा के कंट्रोल में रहा करता था। ठीक है, जो एम्परर थे उनके कंट्रोल में रहा करता था ये पाटलिपुत्र वाला एरिया। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स हर्डर्स क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग ऑफिशियल्स जो है, अलग अलग लोग जो हैं वो अब चुने जाते थे ताकि वो क्या करे, टैक्सेस को कलेक्ट करके ला के दे सके। और टैक्सेस किससे कलेक्ट होते थे, तो फार्मर्स से, आर्टिसन से, क्राफ्ट पर्सन से, जो पहले ही जमाने में होता है वैसे ही जो टैक्सेस कलेक्ट हुआ करते थे। इसके बाद ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसऑबेड द रूल्स ऑर्डर, मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। अब देखिए
जो ऑफिशियल चुने जाते थे वो क्या कर सकते थे, वो पनिशमेंट भी दे सकते थे। पनिशमेंट क्यों दे सकते थे, अगर कोई राजा के आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो वो उसके लिए जो है पनिशमेंट भी दे सकते थे लोगों को। और बहुत सारे ऑफिशियल जो चुने गए थे उनको सैलरीज भी दी जाती थी। ठीक है, मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रू एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। मैसेंजर का मतलब क्या होता है, जो मैसेज भेजने, अभी तो हम लोग के पास फोन है, टिंग 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 करके कहीं भी बात हो जाता है, उस टाइम तो ऐसा था नहीं। तो उस टाइम जो थे लोग भेजे जाते थे मैसेज पास करने के लिए, और स्पाइस मतलब जासूस रखे जाते थे, मतलब जो भी ऑफिशियल्स को चुना जाता था उन पे नज़र रखने के लिए जासूस रखे जाते थे कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। ऑब्वियस सी बात है कि जब इन सब चीज़ों को जब एम्परर रख रहा है तो एम्परर जो है इन सबको सुपरवाइज करता होगा, इन सबको देखता होगा, इन सबको कंट्रोल करता होगा। अब आगे देखते हैं। With the help of the members of the royal family and senior ministers, और emperor किसकी मदद लेता था, रॉयल फैमिली के जो भी मेम्बर्स थे उनकी मदद लेता था, और जितने भी हमारे सीनियर मिनिस्टर्स थे उनकी मदद लेके जो है emperor जो है वो क्या करता था, वो लोगों में जो है लोगों को जो है सुपरवाइज करते थे, जितने भी अपने ऑफिशियल्स थे उनको देखभाल उनको देखते थे कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। अलग और भी बहुत सारे एरियाज थे तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है, इनको अलग अलग रूल किया था। ऑल्दो देयर वॉज सेम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वेर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वेर प्रोबेबली फॉलोड। इनको जो भी है इन पे भी रूल किया जाता था, और इन पे भी कैसा रूल किया, बिल्कुल पाटलिपुत्र के जैसे ही रूल किया जाता था, क्योंकि यहाँ के जो प्रिंसेस होते थे वो जाते थे वहाँ पे, प्रिंस जो होते थे वो यहाँ वो जाते थे इन जगहों पे, और वहाँ पे जो है गवर्नर के पद पे जाते थे ये लोग, ठीक है। और जितने भी कस्टम वगैरह जितने भी टैक्सेस वगैरह जो थी वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे भी अप्लाई हुआ करती थी, जैसे पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। आगे देखते हैं। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, हियर द मौर्यस ट्राइड टू कंट्रोल रूट्स एंड रिवर्स विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब देखिए ये जो था बहुत बड़ा एरिया बन चुका था, तो अब ये मौर्यन के लिए जो है एक अलग चीज़ भी थी कि अब इनको क्या करना पड़ता था, अब इनको रोड्स हो गए, ये सारी चीज़ जो थी वो सही करनी पड़ती थी। अब सही किस लिए करनी पड़ती थी, ट्रांसपोर्ट सही क्यों करना पड़ता था, क्योंकि भैया इनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए थे, ये भी तो टैक्स ले लेते थे, तो टैक्स लेने के लिए टैक्स इनके तक पहुंच जाए इसके लिए इनका रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना अच्छा होना जो है इनके लिए काफ़ी ज़रूरी था। फॉर एग्जाम्पल अर्सास ट्रेलस द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। जैसे कि हमको अर्थशास्त्र बताता है कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन था वो हमारे ब्लैंकेट वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट था, ब्लैंकेट वगैरह के लिए और भी जो मटेरियल्स थे, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट था जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का रीजन था। उसके साथ अगर हम लोग देखें तो जो साउथ इंडिया था वो हमारे गोल्ड और स्टोन्स के लिए अवेलेबल था, मतलब उधर गोल्ड वगैरह की अवेलेबिलिटी थी, नॉर्थ इंडिया में जो है वुल वगैरह की अवेलेबिलिटी थी, तो वहाँ से ब्लैंकेट आते थे, इधर से जो है गोल्ड वगैरह जाते थे, तो आने और जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना काफ़ी ज़रूरी था। अब आगे देखते हैं। ट्रिब्यूट, अब देखिए ट्रिब्यूट क्या कहलाता था। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज वेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। अब देखिए ट्रिब्यूट ये था, ट्रिब्यूट ये था कि जो टैक्सेस जो थे रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते थे, और ये जो चीज़ें थी वो टैक्स रेगुलर बेसिस पे नहीं कलेक्ट की जाती थी, ये जो लोग थे ये अपने इच्छा के हिसाब से जो है लोग जो थे वो एम्परर को देते थे, ठीक है, कोई ज़्यादा दे देता था कोई कम दे देता था, तो वो लोगों के इच्छा पे डिपेंड होता था। अब आगे देखते हैं। दे वर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। ये जो और भी कुछ एरिया थे जहाँ पे बिल्कुल जंगल था, तो इस एरिया में जो थे लोग जो थे कम या फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, ये भी इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, इनको भी टैक्सेस वगैरह सब कुछ पे करने पड़ते थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स टिम्बर हनी एक्स टू द मौर्य ऑफिशियल्स। अब क्या था, अब इनसे क्या कलेक्ट किया जाता था, ये तो फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं तो भाई ये तो ट्रेड वेड कर नहीं सकते, तो ये जो है एलिफेंट्स प्रोवाइड करते थे, भाई जंगल में है तो जंगल में एलिफेंट ईजिली मिल जाएंगे। टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ प्रोवाइड करते थे, ठीक है, लकड़ियों के जितने भी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करते थे, हनी प्रोवाइड करते थे, वैक्स प्रोवाइड करते थे, जंगलों में ईजिली मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मौर्यन ऑफिशियल्स को, जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जो है वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब जरा देखते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, इनके बारे में जरा सा जान लेते हैं।
तो मेगास्थेनेस वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ एशिया वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थेनेस जो है वो एक एम्बेसडर है जिसको जो है ग्रीक से भेजा गया था, और भेजा किसने था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, और किसके यहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त के कोर्ट में, ठीक है, चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा था। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ये अलेक्जेंडर से रिलेटेड स्टोरी है कि आप लोग जब ब्रीफ में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे हम कि अलेक्जेंडर ये थे सैनिक थे जो भी थे सेल्यूकस निकेटर। तो इन्होंने जो है मेगास्थेनेस को भेजा था जो एक बहुत ही बड़े एम्बेसडर थे जिनको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था। मेगास्थेनेस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, ही इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। मेगास्थेनेस ने जो है एक बहुत सारी चीज़ें लिखी कि क्या क्या उन्होंने देखा उस टाइम, कैसे जो है उस टाइम के रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो लिखते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है, क्या बताया है उन्होंने। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। अब देखिए, जिस दिन जो है राजा जो है पब्लिक अपीयरेंस, मतलब कि लोगों के बीच, जो है एम्परर जो है वो लोगों के बीच जाता था, तो उस समय जो है बहुत ही अलग तरीके से जो है राजा जाता था, बहुत ही अलग सेलिब्रेशन होता था, बहुत अलग टाइप के जो है रिचुअल्स होते थे उस टाइम में। देखते हैं क्या होते थे। तो ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलेकिन, उनको जो है सोने की पालकी में, ठीक है, सोने की पालकी में उनको ले जाया जाता था। उसके बाद से हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो गार्ड होते थे वो क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर दोनों जो है भर भर के जो है एलिफेंट को सजाते थे, और उसी सजा एलिफेंट से जो है उनको गार्ड करते थे। उसके बाद से जो है सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लीव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरेंट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। और कुछ गार्ड जो थे वो पेड़ को लेकर चलते थे, और पेड़ पे जो है चिड़ियाएं रहा करती थी, और वो कैसी चिड़ियाएं होती थी, वो बिल्कुल ट्रेन चिड़ियाएं होती थी, ठीक है, मतलब कि वो भागेंगे नहीं, वो वही पेड़ पे जो है रहा करते थे, और वो एम्परर के बगल बगल से जो है चलते रहते थे वो लोग, ठीक है, पेड़ को लेके चलते रहते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, जो राजा थे उनको जो है आर्म्ड वुमेन, जितने भी वुमेन्स थी वो जो आर्म्ड फोर्सेज में थी, मतलब समझ लीजिए जो सैनिक वगैरह थे, तो उनसे जो है ये सराउंड घिरे हुए रहते थे ताकि कोई इन पे अटैक ना कर दे। इसके बाद ही इज आफ्टर दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, उनको डर रहता था ताकि कोई उनको क्या कहते थे मार ना दे, ठीक है। ही हैज अ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट देयर फूड बिफोर ही ईट्स। अब देखिए, उनके पास एक स्पेशल सर्वेंट भी थे ताकि जो है वो जो भी खाना खाएं उससे पहले जो है खाने को चखा जाए ताकि उनके खाने में कोई कुछ मिला ना दिया हो, ठीक है। इसके बाद ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर टू नाइट्स, और कभी भी जो है सेम बेडरूम में दो दिन वो नहीं सो पाते, दो लगातार रात वो नहीं सोते थे, मतलब एक दिन यहाँ सोएंगे दूसरे दिन वहां सोएंगे, दो दिन लगातार एक ही बेडरूम में नहीं सोते थे वो, ठीक है। और देखिए, पाटलिपुत्र के बारे में भी उन्होंने क्या लिखा है, जिसको अब पटना कहा जाता है, ठीक है, तो उसके उन्होंने उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज अ लार्ज एंड अ ब्यूटिफुल सिटी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर था। इट इज सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल, इसके चारों तरफ जो थी बड़ी बड़ी दीवारें थी। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, इसमें जो है 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे, सोचिए पटना में। द हाउसेज ऑफ टू एंड थ्री स्टोरी आर बिल्ड ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, जो टू और थ्री स्टोरी के जो घर थे उसको जो है किससे बनाया जाता था, लकड़ियों से, ठीक है, मिट्टियों से, ईंटों से बनाया जाता था। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स, जो राजा का महल था उसको भी लकड़ियों से और पत्थरों से जो है कार्व किया जाता था, उसमें डिजाइन बनाए जाते थे। इट इज सराउंडेड विथ गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और इसको जो है गार्डन से जो है सजाया जाता था और वहाँ पे चिड़ियाएं वगैरह जो है वो रहती थी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट है, अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका जो है यूनिक रूलर जो है उनके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वॉज अशोका, ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। जो सबसे फेमस रूलर है मौर्य डायनेस्टी का, जो सबसे फेमस रूलर है वो है अशोका, और इनके फेमस होने का राज ये था कि ये जो थे पहले रूलर थे जिन्होंने जो है अपने मैसेज को, अपनी उपदेशों को, अपने मैसेजेस को, जो वो बोलना चाहते थे अपनी प्रजा से, उसको जो है इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में लोगों को पहुंचाया, मतलब जगह जगह जो है वो अलग अलग बिल्डिंग्स पे खुदाई करवा के जो वो चीज़ें लिखवाते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत एंड वेयर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बहुत सारे अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो किस में लिखे गए हैं, तो वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उसके साथ साथ जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी लिखे गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अशोका's वॉर इन कलिंगा, कलिंगा का जो वॉर हुआ था उसमें क्या अशोका का परफॉर्मेंस था, क्या हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया हु गिव अप द वॉर, क्या रीजन था, यही रीजन था क्या, यही वॉर उसका रीजन था। तो देखते हैं यहाँ पे, कलिंगा इज एन एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, ठीक है। कलिंगा किसका नाम था, तो कोस्टल ओडिशा का जो है पुराना नाम था। अशोका फॉट अ वॉर टू कंकर कलिंगा, अशोका ने जो है एक वॉर लड़ी थी कि वो कलिंगा को जीत लें। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। वो वॉर जीत तो गए थे, लेकिन जब वो लास्ट में जब जीत गए, जब वहां पे युद्ध के मैदान में थे, तो उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा जो है तहल कह सकते हैं कि बहुत मचा हुआ था, बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम से तहलका मचा हुआ था, हर जगह जो है खून बिखरे पड़े हुए थे, सब लोग मरे पड़े हुए थे। तो उस दिन से जो है उन्होंने जो है प्रण लिया कि आज के बाद से हम कभी भी वॉर नहीं करेंगे, कभी भी कोई भी जो है हिंसात्मक कार्य नहीं करेंगे। और ये मेन रीजन था कि वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इन लोगों को वॉर में मार देते हैं, ठीक है, जब सब लोग मर ही जाएंगे तो हम खुशियां किसके साथ मनाएंगे, ठीक है। वॉर तो हो रहा है, ठीक है, हम जीतने के लिए तो वॉर कर रहे हैं, लेकिन अगर सब मर जाएंगे तो हम खुशियां आखिर मनाएंगे किसके साथ। मर तो सब जा रहे हैं वॉर में, तो सब मर जा रहे हैं, तो हम मनाएंगे किसके साथ, इतने लोगों को मारना क्या सही है, ठीक है। तो ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। ये पूरे इतिहास में एक ऐसे राजा हैं जो जीत तो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जीत को भी एक हार में माना था, कि क्योंकि वो अगर इतने लोगों को मार देते हैं तो आखिर उस जीत का फायदा क्या हुआ, आखिर वो इतने लोग जब मर जा रहे हैं तो उस जीत का फायदा क्या होता है, आखिर वो जीत की खुशी आखिर वो किसके साथ मनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अशोका के इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, जहाँ पे लिखे गए हैं वहाँ पे जो है अशोका ने कुछ कलिंग वार के बारे में डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्राइब किया जाए, देखते हैं कि क्या लिखवाया है उन्होंने उस दीवालों पे चाहे पत्थरों पे क्या लिखवाया है। दिस इज वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन में अशोका ने क्या लिखवाया है, तो 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा, 8 साल तक जब मैं राजा था, 8 साल बाद जो है मैं कलिंग को जो है जीता। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड, 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो बंदी बना लिए गए थे। एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 lakh लोग तक जो है वो क्या कहते हैं मारे गए थे। दिस फिल्ड विथ मी सॉरो, वाई, इससे जो है मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, इन चीजों से जो है मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। और क्यों हुआ, वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंकर्ड, 1 lakh ऑफ पीपल डाई एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर्स, ब्राह्मण्स एंड मोंक्स ऑल्सो डाई। जब भी जो है हम लोग कहीं पे भी जीतते हैं, ठीक है, जब भी वॉर होता है, जब भी हम लोग किसी चीज़ों को जीतते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, लाखों की संख्या में लोग जो है कैदी किए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो ब्राह्मण और बॉन्ग्स हैं, जो साधु संत हैं, वो भी मर जाते हैं, ठीक है। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स, डाई एंड लूज देयर लव्ड वंस। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग मारे जाते हैं जो कभी अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने नौकर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वही लोग जो है वॉर में मारे जाते हैं, तो सोचिए उनकी फैमिली पे क्या बीतती होगी। अब आगे उन्होंने ये भी कहा, दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और मैंने जो है धम्म को जो है फॉलो करना स्टार्ट किया है, और मैं इसे और भी लोगों को जो है सिखाना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। मैंने ये माना है कि लोगों पे धम्म की जीत हो, धम्म को, अब धम्म क्या है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, धम्म की जीत जो है किसी वॉर में जीतने से जो है काफ़ी बेहतर है। अब धम्म क्या था इसके बारे में भी नीचे डिस्क्राइब करने वाला है, बस इतना जाने कि उन्होंने ये कहा कि धम्म की जीत जो है लोगों पे जो है धम्म की जीत जो है वो क्या है, वो जो है किसी वॉर में जीतने से जो है काफ़ी बेहतर है। अब आगे देखते हैं, आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ, इंस्क्राइब करवा रहा हूँ, मतलब दीवार में खुदवा खुदवा के मैं लिखवा रहा हूँ, तो ये जो है हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारे भविष्य के लिए है। सो दैट माई सन एंड द ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट द वॉर, और मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे बेटे और मेरे जो बेटे के बेटे हों, जो मतलब नाती पोते जो भी हों, वो जो है कभी भी वॉर के बारे में ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड थम। उन्होंने ये कहा कि वॉर के बारे में ना सोचने से बेहतर यही होगा कि वो लोग ये सोचें कि कैसे जो है वो धम्म को जो है आगे पहुंचा सकते हैं, आगे जो है ले जा सकते हैं। आगे देखते हैं, अब धम्म का मतलब क्या होता है, तो धम्म इज अ प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धम्म।
धम्म जो है एक प्राकृत वर्ड है और इसका जो ओरिजिनल नाम है संस्कृत में उसका नाम है धर्म, इसको धर्म है और प्राकृत में इसको हम धम्म बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, अश वो धम्म क्या था, वॉट वॉज अशोकास धम्म, वो धम्म क्या था, तो इस धम्म के बारे में जानते हैं। तो अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। अशोका का जो धम्म था वो ना तो किसी की पूजा पाठ करने के लिए कहता था, ना तो किसी भगवान की पूजा पाठ करने के लिए कहता था, और ना ही किसी बलि को और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस, ना तो किसी की बलि देने के लिए कहता था। उन्होंने बोला ही फेल दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। उन्होंने ये बोला कि जैसे जो है एक बाप जो है अपने बच्चों को जो है सिखाता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है, तो वैसे एक एम्परर भी, वैसे एक सम्राज्ञी भी, वैसे एक राजा भी जो है वो अपने बच्चों को जो है अपनी प्रजा को, मतलब राजा के बच्चे कौन होते, उसके प्रजा होते हैं, तो वो अपने प्रजा को सिखाए कि उसके लिए क्या चीज़ें सही हैं और उसके लिए क्या चीज़ें गलत हैं। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। वो जो है बुद्धा की जो टीचिंग थी, ठीक है, बुद्धा ने जो कहा था वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अब आगे देखते हैं, देयर वेयर नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो जिसकी वजह से अशोका परेशान हुए थे। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। जो पूरे साम्राज्य में जो लोग थे वो अलग अलग टाइप के रिलीजन फॉलो करते। भाई एक जगह तो था नहीं, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, तो ये जो थे वो बहुत अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे। देखते हैं यहाँ पे, एंड दिस टाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और यही वजह है कि ये जो है लड़ाई का कारण कभी कभी बन जाती थी। एनिमल्स वर सैक्रिफाइड, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। देखिए क्या होता था कि जानवरों की बलि दी जाती थी, जितने भी नौकर वगैरह हैं उनसे बदतमीजी से, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर, और उसके साथ साथ जो है क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी परिवारों में और पड़ोसी से भी, आस पड़ोसी से भी लड़ाइयाँ होती थी। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। अशोका ने ये माना कि ये उनका कर्तव्य है इन सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने का, ये उनका एक कर्तव्य है। अशोका फेल्ट इट वॉज हो गया ये, सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्म महात्मा हु वेंट टू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। तो उन्होंने जो है कुछ लोगों को जो है चुना, कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जिनका नाम, जिनको नाम दिया धम्म महात्मा। ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धम्म के बारे में जानकारियाँ दिया करते थे। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स, और अशोका ने जो है अपने मैसेजेस को जो भी वो लोगों तक पहुँचाना चाहते थे उनको दीवारों में खुदवाया, खंभों में लिखवाया, ठीक है, पत्थरों पे लिखवाया इन सब चीज़ों को। उसके बाद इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, और उन्होंने जो अपने ऑफिशियल्स को बोला कि आप इन मैसेजेस को पढ़ के सुनाइए, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको आप ओरली ये चीज़ों को सिखाइए, और जो लोग तो पढ़ लिख सकते हैं वो तो ईजिली जो है जो पत्थर पर लिखा हो तो ईजिली वो लोग उसको पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं, अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड। अशोका ने जो है और भी जगहों पे जो है अपने धम्म महात्माओं को भेजा ताकि वो लोग जो है इन मैसेजेस को और भी लोगों तक पहुंचा सके। तो जैसे कि कहाँ भेजा, सीरिया भेजा, इजिप्ट भेजा, ग्रीस भेजा और श्रीलंका भेजा। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। उन्होंने क्या किया, रोड्स बनाए, सड़कें बनाए, कुएँ खुदवाएं और उसके साथ साथ रेस्ट हाउसेज बनवाएं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जगह बनाई, ठीक है, किसके लिए, इंसानों के लिए, और उसके साथ साथ जानवरों के लिए भी उन्होंने जो है एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है चीज़ें बनाई। अब जरा से इस पिक्चर के बारे में देख लेते हैं, ये पिक्चर क्या है, एनसीईआरटी के पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, द रामपुरवा बुल, लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ मौर्य पिलर फाउंड इन रामपुरवा। ये जो है मौर्य पिलर का जो है पार्ट है, ठीक है, रामपुरवा में इसको लाया गया था, और ये एक बहुत ही एक स्टोन से जो है इसको कार्व करके बनाया गया है, इस बुल को एक स्टोन से कार्व करके बनाया गया, एक ही स्टोन में इसको कार्व किया गया, बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ पे है, ये बिहार में है, और इसको जो है अब देखिए, नाउ हैज़ नाउ बीन प्लेस्ड इन द राष्ट्रपति भवन, लेकिन अब इसको जो है राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये स्किल ऑफ द स्कल्पचर, जो उस टाइम के जो मूर्तिकार थे, ये इनका जो है एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है कि देखिए उस टाइम में जो है कितने अच्छे जो है इनको जो है बनाया गया है, कितना स्टोन एकदम फिनिश्ड इसको लुक दिया गया, एकदम पॉलिश लुक दिया गया है इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, खत्म हो गया क्या ये चैप्टर, हाँ ये तो चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अशोका का क्या मैसेज था उनके प्रजा के लिए, क्या मैसेज था, तो देखते हैं।
पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। लोग बहुत सारे रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। व्हेन द चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब भी उनके बच्चों की शादी होती है तो बहुत सारे रिवाजों को परफॉर्म करते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। और व्हेन दे गो ऑन जर्नी, और या फिर जो है जब वो यात्रा पे जाते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा हो गया, तो इन सब जगह पे जाते हैं तो भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये रिचुअल जो है उतने जो है यूजफुल नहीं है, ठीक है, इनको फॉलो करना इतना ठीक नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ करो जो प्रोडक्टिव हो, तो ऐसा नहीं है ये चीज़। If instead people observe other practices, this would be more fruitful. अगर इसके जगहों पे लोग अगर कुछ और करते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा fruitful होगा, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। What are these other practices? वो क्या चीज़ें हैं? तो these are being gentle with slaves and servants. वो है कि आप सबसे पहले तो आपके जितने भी नौकर, ठीक है, नौकर या फिर जितने भी दास दासियाँ हैं, आप उनके साथ जो है बहुत ही अच्छे से पेश आइए, ठीक है, उनके साथ जो है आपका व्यवहार जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है रिस्पेक्टिंग वन सेल्डर, जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करिए, ठीक है। तीसरा है हमारा ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनको हमको प्यार से पेश आना चाहिए, उनको प्यार से जो है रखना चाहिए, उनसे जो है हमेशा प्यार से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे जो है उनको हमेशा जो है मारते रहें, दौड़ाते रहें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जितने भी हमारे मॉन्क्स हैं और ब्राह्मण्स हैं इनको जो है गिफ्ट्स देना चाहिए। इसके बाद इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, और ये भी गलत है कि आप अपने रिलीजन का तो सम्मान करते हैं लेकिन आप दूसरे के रिलीजन के बारे में गलत सही बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने रिलीजन का सम्मान कर जैसे करते हैं तो वैसे आपको दूसरे रिलीजन का भी सम्मान करना चाहिए, तो ये उन्होंने कहा था। अब आगे देखते हैं, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, सबको जो है दूसरे रिलीजन का सम्मान करना चाहिए। मैंने बताया इफ वन प्रेजेस ओन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अदर, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। अगर कोई जो है अपने रिलीजन का बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है उसको फॉलो करता है और दूसरे के रिलीजन को बुराई करता है, तो एक्चुअल में वो अपने रिलीजन को ही खराब बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट। तो क्या करना चाहिए कि दूसरों के रिलीजन के आइडियाज को भी जो है सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेवेंथ चैप्टर, ठीक है, हिस्ट्री का। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।